आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने का भारत का सपना रविवार को टूट गया। भारतीय महिला टीम को फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, तो ऑस्ट्रेलिया ने पांचवी बार यह खिताब जीता। भारतीय टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और उसका खिताब का सपना अधूरा रह गया। पूरी टीम इस हार से निराश दिखी। भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में जिस अंदाज में खेल दिखाया उसने सबको अपना मुरीद बनाया। विवियन रिचर्ड्स भी उन पूर्व क्रिकेटरों में शामिल है जो इंडियन टीम से प्रभावित है। रिचर्ड्स ने मैच के बाद भारत को हार से निराश नहीं होने की सलाह भी दी। वेस्ट इंडीज के इस दिग्गज ने मैच के तुरंत बाद दो ट्वीट किए। विव रिचर्ड्स ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, कभी भी निराश मत होना, आपने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है और एक दिन आपको हाथ में ट्रॉफी जरूर मिलेगी, खुद पर भरोसा करते रहो। विवियन रिचर्ड्स ने इस ट्वीट के साथ बीसीसीआई को भी टैग किया। अपने खेल की बदौलत सर की उपाधि पाने वाले विव रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया को भी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को बधाई, आपने एक और टी20 खिताब जीता है, आपकी टीम शानदार है और इस पल का आनंद लीजिए। बता दे कि ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार को भारत को 85 यानी 85 रनों से करारी शिकस्त दी। आपको बता दे कि उसने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 184 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, तो वहीं फिर भारतीय टीम को 19वें ओवर में महज 99 रन पर आउट कर दिया गया। 41 गेंद में 75 रन बनाने वाली एलिसी हिली प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, तो उनकी साथी ओपनर बैथ मुनी ने भी 78 रन की पारी खेली। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।